हेलो गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे भुईया पास का आप लेवल वगैरह अपग्रेड करोगे एंड गाइस भुईया पास के अवतार बैनर वगैरह आप लोग ऑब्वियस से बात है। एंड गाइस 70 लेवल पे आपको एक जो टॉप भी देखने को मिला जीप अप वाला। इसके अलावा फ्री में आपको एक लूट बॉक्स देखने को मिला लो एंड थीम के ऊपर लियो स्पेशल। एंड गाइस आपको 100 लेवल करना अगर प्रीमियम या प्रीमियम प्लस लोगे तो गाइस आपको भुईया पास के मिशन तो करने होंगे। इस वीडियो के अंदर बस यही बताऊंगा आपको भुईया पास मिशन आप कैसे कम्प्लीट करोगे। और गाइस अभी तक आपको स्कार मिली है या नहीं मिली है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताना ये, ठीक है। ये स्कार जो मिली या नहीं मिली रॉयल वॉरियर वाली, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना आपको। यहाँ पे डेली मिशन डेली रिफ्रेश होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अच्छी बात है। उसके बाद आपको बीआर और सीएस के यहाँ पे एक गेम यहाँ पे आपको खेलना है। एक बंदे को मारना बीआर रैंक में और एक बंदे को यहाँ पे सीएस रैंक में मारना है। और असिस्ट का मतलब होता है आप अपने टीममेट को, कोई आपका जो टीममेट ने नॉक कर रखा ना उसको कंफर्म कर दोगे तो भी आपका यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट खेलना है, 20 मिनट खेलना है और 30 मिनट खेलना है तो आपको सारी एक्सपी मिल जाएगी। और ये आपको प्रोटेक्शन पॉइंट मिलते हैं सीएस के, और ये आपको रैंक पॉइंट के प्रोटेक्शन पॉइंट मिलते हैं। बेसिकली दोनों में आपको रैंक माइनस ना हो इसलिए आपकी हेल्प होती है, ठीक है। बाकी एफएफ टोकन तो मिलता ही है। और ये जब 5 हो जाते हैं तो ये डेली का ये 5% इंक्रीज होता है, ठीक है। आप डेली के जो 5 मिशन कंप्लीट करते हो। अभी बात कर लेते हैं वीकली, वीक नंबर 1 से लेके 4 की। अब वीक नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ पे आर्सेनल को ओपन करना है। एक आर्सेनल होता है जिसको आप जो है की वेंडिंग मशीन पे आपको जो आर्सेनल की मिल जाती है उससे अनलॉक कर सकते हो। एक ही गेम के अंदर यहाँ पे आप जो है 5 आर्सेनल को ढूंढ के अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10 मैच खेलने हैं टीम के, यानी आप जो क्लैश कोड या फिर बीआर रैंक ऐसे मोड जिसके अंदर यहाँ पे 4 बंदे वगैरह खेल सकते हो तो कर लेना। और यहाँ पे फ्री फायर को 300 मिनट खेलना, पूरे एक मंथ के अंदर आप खेल ही सकते हो। 30 स्पिन करना लक रॉयल के अंदर, आप गोल्ड रॉयल वगैरह में स्पिन कर सकते हो। न्यू रॉयल आया उसमें भी स्पिन करोगे तो भी काउंट होएगा। एंड गाइस यहाँ पे सीएस के अंदर आपको 20 गेम खेल के आनी है और सीएस के अंदर आपको 5000 का डैमेज देना है। वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे 35 से लेके 40 लेवल हो जाएगा। वीक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चर डिफेंस एयरड्रॉप, एक एयरड्रॉप होता है जिसके 3 लेवल होते हैं, उसको 5 बार अनलॉक करना है। यानी आपको जगह जगह ऐसे एयरड्रॉप देखने को मिलेंगे, एक गेम के अंदर 3-4 हो जाएंगे, 2 गेम में कंप्लीट हो जाएगा। बट ये नेक्स्ट वीक होएगा यानी आपका 7 दिन बाद। और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सीएस रैंक के 10 गेम खेलने, 30 गेम कोई भी मोड के खेल के आ जाओ। 8 मेडिकिट बीआर यानी क्लासिक या बीआर रैंक के अंदर लगा के आ जाओ। फिर गाइस बीआर के अंदर यहाँ पे 300 सेकंड सर्वाइव करना, वो भी 10 बार, यानी 10 गेम के अंदर 300 सेकंड तो जिंदा ही रहना है, ठीक है। 300 सेकंड यानी आपका यहाँ पे कितनी होती है कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो। टीम टास्क यहाँ पे आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पता तो होगा ना। तो 300 सेकंड कितने मिनट में होगी कमेंट में बताना। यहाँ पे टीम टास्क, आप और आपके टीममेट मिलके यहाँ पे क्लैश कोड के अंदर 120 मेडिकेट मारोगे। 8 से 10 गेम लगेंगे, एक गेम के अंदर आप यहाँ पे 8 मेडिकेट आप लगा सकते हो। आपके ऐसे ही 4-4 टीममेट लगा सकते हैं तो 32 मेडिकेट के आसपास एक गेम के अंदर लग जाएंगे। अब गाइज आप देख लेना, अरेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वीक नंबर 3 मिशन जो कि 14 डेज बाद अनलॉक होंगे, इसके अंदर ये आर्सेनल जो मैंने बताया था ना वो 3 बार ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करना है, डेली बस गेम को ऑन करना है और बीआर के अंदर 10 बंदों को मारना है। टीम टास्क आप और आपके टीममेट मिलके 30 प्लेयर को किल कर देना, वो भी किस में, क्लासिक या रैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल मैच के अंदर सीएस के अंदर क्लैश कोड रैंक भी खेल सकते हो। 1000 का डैमेज देना है, पूरे एक गेम के अंदर 4 राउंड होंगे तो आप 4 राउंड में 1000 का डैमेज तो दे ही लोगे। टीम टास्क के अंदर आपको और आपके टीममेट को मिलके 30 बंदों को हेडशॉट मारना। आपका कोई टीममेट हेडशॉट मारने वाला होगा ना उसके साथ खेल लेना, अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। बट आज से कंप्लीट नहीं होगा, ये वीक नंबर 3 जब लोक हट जाएगा ना उसके बाद ये मिशन कंप्लीट कर सकते हो। वीक नंबर 4 के अंदर आपको वही डिफेंस एयरड्रॉप को 3 बार ओपन करना है। सीएस रैंक के अंदर आपको 10 बंदों को मारना है। बीआर के अंदर 8 गेम खेल के आने हैं, बीआर रैंक के भी खेल सकते हो। आपको ट्रैवल करना ऑन फुट यानी पैदल वॉक करना है बीआर के अंदर, तो यहाँ पे आप जो क्लासिक या बीआर रैंक के अंदर कर सकते हो। क्लैश कोड के अंदर 10 ग्लू वो लगानी है। टीम टास्क के अंदर गाइस आप और आपके टीममेट मिलके क्लैश कोड के अंदर 50 बंदों को किल कर देना। तो वीक 1 से लेके 4 एक प्रो टिप ये रहेगी कि वीक नंबर 1, 2, 3 लोक है और 4 लोक है, जब 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो चारों के लोक हट जाएंगे। एक ही वीक के अंदर सारे मिशन कर सकते हो विद इन 2-3 डेज में, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और डेली मिशन और टोटल मिला के आपका भुईया पास का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेट गाइज यहाँ पे जो आपका लेवल 150 क्रॉस कर जाएगा। और आपका कितना लेवल था जुलाई मंथ में कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर देना एंड यू आर यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दिखेगा उस कॉल पे सेट कर लेना। और अगर किसी को यहाँ पे जो है सेप्टेम्बर मंथ वाला भुईया पास देखना, वीडियो देखने को मिलेगी क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, लव यू गाइस।